स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त के लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली www.studyforjobs.in पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है, मैं हूँ विवेक चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में हम आपसे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही भारत सरकार ने ड्रोन विनियम 10 की घोषणा की है, यह नियम कब से लागू होगा? और ऑप्शन 4 है आपके स्क्रीन पर। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही खबरों में रहे नाफ्टा का संबंध किससे है? ऑप्शन है 4, उत्तरी अमेरिका, भारत मुक्त, चीनी मुक्त और श्रीलंका मुक्त। तो अगर आपको आता है तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिकन मुक्त समझौता को नाफ्टा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही राज्य में लागू सभी राजस्व कानूनों का विलय करके एक राजस्व अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसके लिए आपका सही उत्तर है उड़ीसा, और यहाँ पे नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केरल में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कितने करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसके लिए कुल मिला के 79 करोड़ रुपये का बजट इशू किया है। अगला है कि हाल ही गूगल ने ऑनलाइन उपभोक्ता ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कितने भारतीय बैंकों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर गूगल ने कुल मिला के 4 भारतीय बैंकों के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक बताना है आपको, तो ये है DBS बैंक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही लखवाड़ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना के निर्माण हेतु कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए राज्य किए हैं कुल मिला के 6 राज्यों ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों को तोड़ने पर 5 साल की सजा एवं 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ध्वनि प्रदूषण के नियम अगर आप तोड़ते हैं तो आपको महाराष्ट्र में 5 साल की सजा हो सकती है, या फिर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अगला क्वेश्चन कि एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल, और इसके लिए सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन कि एशियाई खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो मतलब कि भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये एकदम लेटेस्ट घटना है, और इसके लिए सही उत्तर है नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने एशियन खेलों में रजत पदक जीतने वाले धावक दुती चंद को 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, और सही उत्तर है ये है उड़ीसा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन कि हाल ही खबरों में रहा नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नौरादेही, तो ये स्थित है MP में, मतलब कि मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि लद्दाख में पर्यटकों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट को राख में परिवर्तित कर उसे निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने हेतु एक उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस उपकरण का क्या नाम है? तो उस उपकरण का नाम आपको बताना है, और इसके लिए सही उत्तर है उसको कहते हैं सिस्टिमा। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम होगा गगनयान के साथ कितने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे? जैसा कि मोदी जी ने घोषणा किया है 2022 तक जाने के लिए, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितने लोग जाएंगे? तो यहाँ पे जाएंगे कुल मिला के 3 लोग। अगला क्वेश्चन कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में माइक्रोहाइला कोडियाल नामक प्रजाति की खोज की गई है जो संभवतः दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की है, यह निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये है मेढक की प्रजाति, नाम देख लीजिए माइक्रोहाइला कोडियाल। अगला क्वेश्चन कि 28 अगस्त को पर्यटन मंत्रालय द्वारा किन 2 राज्यों में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 164.95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए? तो ये मंजूर किए गए हैं पंजाब
त्रिपुरा के लिए। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित एक कार्यदल ने रोहिंग्या संकट को नरसंहार करार देते हुए कमांडर इन चीफ को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है, यूएन के इस कार्यदल का अध्यक्ष कौन है? तो ये म्यांमार का मामला है और इसका जो अध्यक्ष है वो है मारजुकी दारुशमैन। ये जो वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं उन पे मुकदमा चलाने के लिए सिफारिश किए हैं लोग। अगला क्वेश्चन कि भारत ने किस वर्ष तक निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? निर्यात को दोगुना करना है किस वर्ष तक? तो ये है 2025 तक। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके सामने आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपका उत्तर जो भी हो हमें कमेंट करके बताइए, और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। फाइनली स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।